कृत को छोड़ के जैसे कि आपने देखा ही, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के ब्लॉग की। तो हेलो हाय, कैसे हैं आप दोस्तों? सबूत है मेरे प्रणाम, और हम भी यहाँ पर ठीक हैं। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। और यहाँ पे कुकू रो रहा है सुबह सुबह। क्यों रो रहा है? क्योंकि ना कुकू को नाई नाई करनी है अपने पापा के साथ। उसके पापा जा रहे हैं ऑफिस, तो सुबह की तैयारी कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो ये भी बोल रहा है मुझे नहाना है, पर मैं इसको मना कर रही हूँ, इसलिए रो रहा है ये। क्योंकि ये फिर ना बाद में मेरे को बड़ा परेशान करता है, बाद में भी बोलता है मुझे नहाना है नहाना है। गर्मियों में ना नहाने के लिए बड़ा परेशान करता है कि मुझे नहाना है, पूरा टाइम बाथरूम में रहना है, और सर्दियों में रोता है कि नहीं नहाना है। तो सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो अभी मैं इसके पापा के लिए बना रही हूँ टिफ़िन। तो आज मैं बना रही हूँ इसके पापा के लिए, कृत के पापा के लिए, आलू का पराठा। तो ये मैंने इसका स्टफिंग तैयार कर दिया, आटा गूंद दिया है, और कृत ने खाया था सैंडविच यानी आलू वाला टोस्ट, उसकी भारी डिमांड में। तो बस यही है अभी। अभी मैं बना रही हूँ कृत के पापा के लिए ब्रेकफास्ट और नाश्ता, क्योंकि इन्होंने बोला मैं सब्जी नहीं ले जाऊँगा, आजकल ऑफिस में मिल रहा है, इस वजह से लंच वहीं पे करूँगा, तो खाली ब्रेकफास्ट बना दे, तो इसलिए। तो बस फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, और आज मैं बच्चों के लिए कुछ बनाने वाली हूँ, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। बने रही है मेरे साथ। और दोस्तों, मेरा ट्राइपॉड खराब हो रखा है ना, तो मुझे ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ रहा है अपना कैमरा, क्या करें। दूसरा ट्राइपॉड लिया, और उसका जहाँ पे फ़ोन नहीं अटैच करते वो बार बार निकल जाता है, तो ना मैं फ़ोन अटकाती हूँ तो मेरा फ़ोन गिर जाता है। और वैसे भी मेरे एक दो बार इस वजह से फ़ोन में क्रैक आ चुका है पहले भी। तो मैं अभी बनाती हूँ गर्मा गर्म पराठे इसके पापा के लिए। तो दोस्तों, आज मैं इसी फ्राई पैन में बना रही हूँ। आलस, कौन बर्तन जूठे करेगा। तो मैंने इसमें ना मसाला बनाया था कृत के लिए टोस्ट का, इसी में मैं पराठे बना रही हूँ। दो दो बर्तन से मुझे धोने पड़ते हैं ना, क्योंकि कुकू बिल्कुल काम नहीं करने देता जब भी मैं किचन में आती हूँ, जो बड़ा परेशान करता है, तो इसलिए। तो चलिए बना लेते हैं पराठे। आज मेरे लिए काम आसान हो गया, क्योंकि आज ये बोल रहा मैं लंच स्कूल में ही करूँगा। ओ सॉरी, स्कूल निकलता है ऑफिस में, क्योंकि ये बैग वगैरह ऐसे लेके जाते हैं ना, स्कूल बॉय लगते हैं। व्हाट अ जोक। दोस्तों, हमारा नाश्ता तैयार है, क्रिस के पापा खा रहे हैं बैठ के, और मैं भी खा लेती हूँ उनके साथ, क्योंकि 9 बजने वाले हैं जैसे कि देख रहे हैं आप। तो आजकल इनकी गाड़ी जल्दी आ जा रही, नहीं तो 9:15, 9:30 बजे तक आती थी। तो अभी मैं इंजॉय करती हूँ अपना पराठा। ये रहा हमारा बेटा, आप भी खा लीजिए जैसे लोग बोलते हैं। वैसे तो क्या ही खा पाते होंगे, बस जी ललचाता होगा। तो दोस्तों, वेलकम बैक। और मेरे हो गए हैं सारे काम, नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया है, कुकू भी नहा गया है, और यहाँ पे मस्त वो अपनी राइम सुन रहा है दूध पीते हुए, नींद के हिल को रहे कूलर की हवा में। कुकू हाय कर दो। अभी कर रहा था वो मुझे परेशान, तो फिर मैंने उसको दूध दे दिया, मैंने तू लेट जा, मुझे काम नहीं करने दे रहा। तो मुझे कुछ बनाना था आज, जैसे कि मैंने कहा आपको, तो आज मैं सोच रही हूँ बनाऊँ और शेयर करूँ आपके साथ। किचन में ही चलते हैं, तभी दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ से पीछे से म्यूज़िक और कूलर की आवाज़ भी आती है। तो चलिए सीधा किचन में आ गई मैं। तो ये है क्या, ये तो पहचान ही गए होंगे आप देखकर। तो ये है आइसक्रीम के मोल्ड्स। तो जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं, तो मैं कई बार अपने बच्चों के लिए, और मुझे भी बहुत पसंद है आइसक्रीम खाना, और सभी को होता है, तो घर ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि बाहर की ज़्यादा सही नहीं होती है बच्चों के लिए। और घर में तो क्या होता है, दूध वगैरह नॉर्थ मिलावट वाले भी नहीं होती, और बच्चे ज़िद भी नहीं करते, क्योंकि उनको घर पे मिल जाती है। तो मेरे बच्चे तो जब दुकान में जाओ ना मैं दूध लेने, तो आइसक्रीम करते हैं, इस वजह से मैंने इनके लिए सोल्यूशन निकाल दिया है। अब वैसे कई बार मैं बनाती भी हूँ गर्मियों में, तो अभी फ़िलहाल मैं दूध की नहीं बनाऊँगी। तो मैंने ये कस्टर्ड में दिखा को, तो ये मैंने उस दिन कस्टर्ड बनाया था, फ्रूट कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैं दो लेकर आए थे, हम एक दिन मॉल गए थे तब। तो ये स्ट्रॉबेरी और ये है केसर पिस्ता। तो फिर चलिए बनाते हैं आइसक्रीम। तो यहाँ पे ना मैंने दूध ले रखा है, ये लगभग ना एक गिलास है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता दूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। डायरेक्टली मैं ऐसे डाल रही हूँ अंदाजे के अनुसार, मेरे ख्याल से इसमें मैंने ना 2 चम्मच डाले हैं। और मैं तो ऐसे ही करती, जब मुझे जल्दी जल्दी बनाना होता है तो मैं अंदाजे के अनुसार ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे हम इसको ना ठंडे जो नॉर्मल दूध है उसमें करेंगे, गर्म दूध में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गर्म दूध में आप करोगे ना
तो लम्स बन जाते हैं, तो इसलिए पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। मैंने मिक्स कर लिया जिससे कि कोई भी कांटे ना रहे। तो अब मैं ना गैस पर रख देती हूँ इसको, गैस ऑन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने ना मीडियम आंच में बनाऊंगी। अभी देखो दिखाती हूँ, ये देखो इसमें ना पिस्ता के पीस भी है, हल्का लाइट ग्रीन है इसका कलर, इसमें इतना पता नहीं चल रहा है। ये फ्लेवर में भी बहुत ही अच्छा है ये, और मीडियम आंच में ही पकाइएगा। थोड़ा सा ना उसको ऐसे स्टर करते रहना पड़ता है, चलाना पड़ेगा जिससे कि नीचे चिपके ना। और कोई भी एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैं तो नहीं डालूंगी कि बच्चे फिर वो मुँह में आता है ना, तो वैसे तो खा लेते हैं पर अगर मुँह में कुछ चीज़ में आया ना तो वो खाते नहीं है। तो यहाँ पर मैंने दूसरा भी निकाला हुआ है आपको दिखाने के लिए, ये मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बनाऊँगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं इसको ना, जब ये उबाल आ जाएगा इसमें, तो ऐसे इसको स्टर करती रहूँगी जिससे कि चिपके ना। और एक दो उबाल में मैं इसको बंद कर दूँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल ये बनता रहेगा। थोड़ा सा ना ये गाढ़ा हो गया, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी बस, और इसको मिक्स कर लेंगे। आपको अगर इसको और भी क्रीमी वगैरह बनाना है और भी अच्छा ना, आप कंडेंस मिल्क या फिर क्रीम वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं तो नहीं डालूंगी क्योंकि मैं घर पे ऐसे ही बनती है घर की वाली आइसक्रीम, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी इसको। इसमें उबाल आ गया तो मैंने गैस कम कर दी। तो यहाँ पर मैं चीनी ले रही हूँ, चीनी स्वाद के अनुसार मैं लगभग इसमें आधी कटोरी यानी कि 4 चम्मच डालूँगी। और ज़्यादा मीठा नहीं बनाती हूँ मैं इसको, वैसे आपका टेस्ट है, वैसे बच्चे खाते हैं पर मैं अपने लिए थोड़ा कम ही डालती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैं ना गैस बंद कर दी, तो इसमें अच्छे से बबल आ गए हैं अंग्रेजी भाषा में बोला जाए तो। तो इसको अभी मैं रख देती हूँ ऐसे ही ठंडा होने। तो इसको ना अभी मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने स्ट्रॉबेरी वाले का भी थोड़ा सा अलग निकाल दिया था, ये ना इसमें कलर नहीं आ रहा है अभी, पता नहीं चल रहा है, तो हल्का हल्का पिंकिश लग रहा होगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बनाऊंगी जो मैंने इसमें पहले से रख दिया है, जिससे कि दोनों एक साथ ठंडे हो जाएं। तो ये भी इसी के तरीके बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने रख दिया है ठंडा करने के लिए, और अभी भी गर्म है ये, देख रहे हैं गाढ़ा हो गया कितना, और ये वाला इतना गाढ़ा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने कम डाला पाउडर इसलिए। तो अभी मेरा जो है वो हल्का हल्का मतलब लगभग हो ही गया है ठंडा, और क्योंकि ना अरे कुकर भी सीटी मारने वाला है, और ये कुकर ने ये कुकर डिस्टर्ब। तो मैं ना सिंपल मैं आपको बता दूँ, क्रीप क्वाइट कुकू, तो मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूँ तो इसलिए ऐसे ही होगा। मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो प्रॉपर वे में जो फूड ब्लॉगर होते हैं वो अच्छे से समझाते हैं, मैं ऐसे ही नॉर्मल जो घर पे होता है, और बच्चे जिनके वो बहुत परेशान करते हैं जैसे कि ये महाशय कर रहा है। वेट अ मिनट, तो यहाँ पे ये है। अब मेरे पास ट्राईपॉड भी मेरा ख़राब हो रहा है, तो मैं ऐसे ही जुगाड़ू तरीके से डालूंगी, तो बस ऐसे डालना है। और हल्का गर्म है, धुआं निकल रहा होगा देखना, क्योंकि ना मेरे बच्चों को सफर नहीं हो रहा है। उसको ढक्कन खोलो कुकू, अभी डालने तो दो कुकू, ओपन इट। ये लड़का तो इतना जल्दी घूमी ना खाने, ये नहीं करने में परेशान। और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले अभी मैंने इसमें रख दिया, और सबको हो रहा है बेचारा अंदर रखो, कहाँ रखना है, यहाँ नहीं रखते, ऊपर वाला डोर ओपन करो। नहीं नहीं वहाँ पे तो ठंडा होगा, यहाँ पे रखेंगे हम खाली खाली फ्रिज में। अब हमने रख दिया, हाँ वहाँ नहीं, अंदर नहीं रखेंगे, चलो। ओहो अब हम इसमें लॉक लगा देते क्योंकि कुकू बार बार निकालता है। और कुकू तेरे लिए थोड़ा सा बच्चा है, ये देख, ये रहा खाने के लिए खुश। अभी 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 कटोरी में दूंगी। तो दोस्तों ये मैंने इसको जमाने के लिए रख दिया है, और लगभग ना मेरे ख्याल से 2-3 घंटे लग जाएंगे इसको अच्छे से जमने के लिए, और तब तक क्रेत भी आ जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बना ये बेचैन लड़का। देखो हाँ, तो ना आपने इसको कटोरी या गिलास में भी जमा सकते हैं, जब हमारे पास नहीं होता था तो हम ऐसे ही करते थे गिलास वगैरह में जमा। वेलकम बैक है आपका, और यहाँ पे उधम मचा रहा है कुकू, और कृत सिंह रावत आ गए। करो कृत ने अपना खाना खा लिया है, और काफी देर हो गई है, कुकू यहाँ उधम मचा रहा है। भाई से सो रखा था मैं, जब कृत को लेने गई तो उड़ गया और रो रहा था तब से बेचारा।
और अभी इन्होंने खाना खा लिया है तो कुकु ने बताया कि भैया मम्मा ने आइसक्रीम बनाई है तो इनको आइसक्रीम खानी है। और क्रिट की छुट्टी हो गई है 4 दिन की लगभग, तो बस यही है इसकी 4 दिन की छुट्टी, उसके मज़े हैं और मेरे लिए भी आराम हो जाएगा। और चलिए देखते हैं आइसक्रीम कैसे बनी। लॉक लगा रहता है यहाँ पे, मेरा थैला ठंगा रहता है दूध का ना, क्योंकि सुबह थैला नहीं मिलता। ये पता नहीं जमी होगी, इसकी खुशी देखो। ये बाप रे, ये ऐसे नहीं निकलेगी बेटा, वो जमी रहती है, उसको वेट करो। उसको ना ऐसे जैसे हम कुल्फी खाते हैं ना, कुल्फी को थोड़ा सा रब करते, वैसे हम इसको जैसे मैंने कल किया था ना टेक्निक, वैसे ही। डोंट ईट दिस, ऐसा ऐसे नहीं खाओ। फिर मैं अभी देती हूँ, देती हूँ, रुको रुको रुको। और इन लोगों से सफर नहीं हो रहा, देख रहे हो? अच्छा वेट करो, मैं निकाल के देती हूँ इसको ना। थोड़ा सा मैं ना नल के पानी में लगाऊंगी, क्योंकि ना आजकल थोड़ा सा ना गर्म आ रहा है पानी, तो ऐसे निकालूंगी तो ऊपर से स्टिक अलग हो जाएगी, नीचे का अलग हो जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं गर्म पानी से ऐसे कर देती, जिससे ना थोड़ा थोड़ा ये मेल्ट हो जाए आराम से बेचारा। वाह, देखा दोस्तों, कुकु शो मी। अब कुकु निकालेगा, कुकु वेट, ए कुकु, वाह कुकु। और टूट गई ना? नहीं टूटी। शो मी योर आइसक्रीम। वाह खुश हो तुम? ये कौन सी कलर की कुकु की? ब्लू नहीं है बेबू को, ग्रीन। और क्रिस की तो पता है दोस्तों, यम्मी यम्मी, तम यम्मी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। बात कैसी बनी है कुकु? कुकु टेस्ट बताओ कैसी है? शिवी कैसी है? तो दोस्तों बहुत ही यम्मी बनी है, आप भी जरूर बनाइएगा। और मतलब कस्टर्ड मुझे इतना पसंद नहीं है, बट आइसक्रीम में ना बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी का टेस्ट आ रहा है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, अपने घर पे बच्चों को खिलाइए, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है घर पे ना ऐसे बना के, जो दूध नहीं पीते हैं ऐसे इस टाइप मस्त। तो आइसक्रीम खाते हुए यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। तो अच्छा लगा होगा आपको मेरा वीडियो, तो क्या करना है आपको पता है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। और अगर चैनल पर नए हैं और ऐसे ही बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं दोस्तों, तो देख लीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब और नीचे बेल आइकन भी दबा देना। हाँ तो समझ रहे हैं ना, तो फिर ऐसे ही और भी अच्छे और ऐसे रेसिपीज वाले मैं वीडियोस लाती रहूंगी अपने ब्लॉग्स में। आई होप मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आइसक्रीम जरूर बनाइएगा गर्मियों में। बाय कदू से, बाय क्रिस से, बाय।